अभी एक न्यूज़ आई कि कल एक शूट है जो कि मैं डिस्क्लोज करूँगा किनके साथ है सून। पिछली बार तो इतना कॉन्फिडेंट था नहीं, तो पता नहीं था कैसे क्या करूँगा। वीडियो बनाने का आइडिया एंड में आया था, बट इस बार आई एम थिंकिंग कि कुछ इंटरेस्टिंग सा वीडियो बनाया जाए, और जो इंडस्ट्री से हैं ऑलरेडी मीडिया से और जिन्हें पता है ये कैसे होता है शूट वगैरह, उनको तो क्या मज़ा आएगा क्योंकि मैं बेबी हूँ उनके सामने। बट जो एक्साइटेड है, जो जानना चाहते हैं कि कैसे काम होता है वहाँ पे, आई ट्राई कि मैं बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए, एंड आई शो इट टू यू ऑन ट्यूसडे। सी या। तो मैडम हमारे साथ हैं, उनका नाम है मारिया, बहुत सारे लोग जानते हैं इनको। सो शी इज़ द वन जिन्होंने मुझे वो फर्स्ट ऐड दिया था, एंड अभी सेकेंड भी इन्होंने दिया है, एंड मेरे ख्याल से इनके साथ मेरा लास्ट है। नहीं, लास्ट तो नहीं है। आई एम गोइंग टू कॉल जय अगेन बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द वर्सेटाइल एक्टर इन यूएई। मैंने अभी तक आई डोंट नो लाइक मे बी 50 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं और बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बट यू नो एक्टर में कुछ बात होनी चाहिए, समथिंग शुड बी देयर। हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़े। ये लड़का तो यार, इसको कैमरा ऑन कर दो एंड ही इज़ देयर, लाइक इसको बस बता दो क्या करना है। सो वेरी फ्यू ऑफ एक्टर्स आई नो जिन पे आई कैन काउंट ऑन और टेंशन फ्री होके आई कैन गिव द रोल्स। जय बिजी So these people never give the script on time. I got it today and these are 5 pages. So Jay is one of the top list में मेरी। जब भी मुझे कोई commercials का भी inquiry आएगा तो he will be, I am not unnecessary तारीफ नहीं करी, जितना हंसो मत, he is a good actor. So देखना इसके और भी ads वगैरह, and definitely हम एक short film ज़रूर करेंगे साथ। I'm moving to India. तो क्या हो गया, मैं इंडिया की हूँ यार, मैं भी इंडिया की। इंडिया के करोगे? और क्या, जयपुर में इनका बंगलो है, वहाँ पे करेंगे। ओह ये। ऑलराइट, सो ये मेरे लिए पहली बार पहला एक्सपीरियंस था दैट आई एम डूइंग अ कमर्शियल शूट। हाँ, पहले तुम कर लो कमर्शियल शूट, पहली बार कर रहा हूँ मैं। सो बहुत एक्साइटेड था मैं जानने के लिए कि कैसे क्या होता है। सो मुझे समझ में आया बिकॉज आई एम वर्किंग विद हर, तो इन अंदर का भी देखने को मिल रहा है काम कैसे चलता है, इनकी प्लानिंग कैसे होती है। सो बहुत सारे लोग मेरे जैसे हैं जो एक्साइटेड हैं जानने के लिए, बहुत सारे लोग यू नो क्यूरियस हैं जानने के लिए कैसे क्या काम होता है। सो लेट्स आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस कि कैसे काम होता है। अच्छा, तो मत शूट, वेरी गुड। सो हमारे एक चीज़ बताइए, आप कितने टोटल, आपने बोला 50+ आप कर चुके हैं, ऑसम, कितनी ब्रांड्स होंगी टोटल? आई थिंक 15-20 ब्रांड्स के साथ। आप सब जय को देख रहे हैं, ही इज लुकिंग सो हैंडसम इन द अलग साइज। I feel like I work here. टिंग कची कार्डिंग कची कार्डिंग कची एंड दैट्स ओवरसाइज स्टैंडिंग वेयर। मुझे क्या बना दिया गया, क्या बना दिया गया, समझ नहीं आ रहा। ये तो एकदम फिटिंग का दे दिया और नीचे करते टिंग कची का। हाउ आर यू फीलिंग हियर टुडे? फीलिंग लूज। यू आर फीलिंग मोर कंफर्टेबल ना? आई एम फीलिंग वेरी मच कंफर्टेबल, आई हैव नेवर फेल्ट सो कंफर्टेबल। सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग जैसे आपके पास आते हैं, वो थोड़ी बताते हैं आपको क्या क्या करना है, आप खुद डिसाइड करते हैं, राइट? या राइट। तो सबसे टॉप 5 पॉइंटर्स आपके दिमाग में क्या रहते हैं कि ये होना ही चाहिए, एंड हाउ डू दे कम टू योर माइंड, कैसे क्लिक होता है आपको? बेसिकली होता क्या है, जैसे हमें जैसे ब्रीफ मिलती है, इट्स अबाउट द प्रोडक्ट और द सर्विसेज। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे हमने लास्ट एड बनाया है डेन्यूब का, तो अभी इनके साथ किया है, तो आई विल गिव अ ब्रीफ ऑन दैट। तो मैं हमारे लास्ट एक्सपीरियंस को ही आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ, तो यू नो कि एक्चुअल में क्या हुआ था और उसकी प्री प्लानिंग क्या हुई थी। तो बेसिकली प्री प्लानिंग में क्या होता है, ब्रांड जो होता है वो अपना एक सर्विस या फिर अपना एक प्रोडक्ट हमें देता है जिसके ऊपर आइडियाज़ बनते हैं। होता क्या है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने डेन्यूब का किया था, दे हैव अ कैंपेन गोइंग ऑन। डेन्यूब होम तो फर्नीचर ब्रांड है, तो उनका एक कैंपेन चल रहा था व्हाट यू कॉल फॉर इंडिया मार्केट बेसिकली, जिसमें उनको डिज़ाइन एंड डेवलप एक उनका सेगमेंट है जिसको प्रमोट करना था। सो नाउ व्हेन दैट प्रमोशन कम्स, दे नो कि उनकी मार्केट कैसी होती है, तो दे गिव अस अ ब्रीफ, लाइक यू नो एक पॉइंटर्स दे देते कि हमें एड में ये चीज़ें दिखानी होती। देन कम्स द डायरेक्टर, जहाँ पे वो अपने आइडियाज़ को बिल्ड करते हैं, सोचते हैं, एंड देन कम्स द अप्रूवल्स। 4-5 आइडियाज़ से रिजेक्ट हो जाते हैं। हमारी किस्मत बहुत अच्छी हो तो लाइक ओके, हम क्लाइंट जो सोच रहा है वो हम सोच रहे होते हैं, लेकिन अगर यूजुअली नॉर्मली आई वोंट से बिग थिंग, हाँ हम काफ़ी रिजेक्शन आते हैं। व्हेन आइडियाज़ की बात आती है, बहुत रिजेक्शन आते हैं।
उनका बीच में एक नोटिंग दे दूंगा हां वोटिंग करने का चल भाई एक्स्ट्रा टीशर्ट लेके आना कुछ नहीं दिखेगा तो आओ आ जा रिएक्शन अतुलिया जस्ट गिव मी अ सेकंड व्हाट आर यू डूइंग हियर इन द मॉर्निंग यू टोल्ड मी यू आर नॉट वेल एंड नाउ यू आर चिलिंग हियर इन द मॉर्निंग व्हाट सॉरी आई नीड टू स्पीक विद यू टुमारो इन द ऑफिस आई एम आउट हेलो आई एम टेकिंग केयर ऑफ द प्रोडक्शन पार्ट विच इज़ बेसिकली उस आइडिए के ऊपर जो जो चीज़ें लगनी होती हैं फ्रॉम द कैमरा क्रू फ्रॉम द कैमराज फ्रॉम द लोकेशंस फ्रॉम द एक्टर्स फ्रॉम द प्रॉप्स बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं तो जैसे ही आइडिया बिल्ड होता है डायरेक्टर मुझसे डिस्कस करते हैं कि मारिया ओके फाइनली ये आइडिया अप्रूव हुआ है देन वी डू सम काइंड ऑफ करेक्शंस बिकॉज क्या होता है एक सिंपल सेइंग है कि क्लाइंट को चाहिए होती है मर्सिडीज अपने हिसाब से लेकिन पैसे वो मर्सिडीज़ वाले नहीं देते तो यू नो देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स उनको मर्सिडीज़ ही चाहिए भाई हम नहीं दे सकते बिकॉज आपने पैसे कम दिए वो कहते नहीं हमें मर्सिडीज़ चाहिए तो वो जो मैचिंग चीज़ ना मेरे पे आ जाता है बर्डन क्योंकि बजट होता है इतना सा और क्लाइंट को चाहिए इतना ज़्यादा तो फिर जब डायरेक्टर मुझे डिस्कस करते कि मारिया ये वाली चीज़ें जो हैं ये हमें करनी है बिकॉज ये आइडिया हो गया अप्रूव मैं फिर मेरी और डायरेक्टर की हो जाती है बहस मैं कहती हूँ लेकिन अगर एक ऐड के हमारे क्लाइंट ने चार एक्टर्स के पैसे दिए मैं 10 कैसे लाऊं यहाँ हो जाता है इशू बिकॉज डायरेक्टर अपनी विजन को बहुत ज़्यादा बड़ा करके सोचता है एक्टर्स को कम पैसे देती है हाँ फिर हो जाते हैं बजट कॉस्ट कटिंग हो जाती है पर एट दी एंड काम निकल आता है यार हमारा भी दिस इज़ हाउ इट वर्क तो सबसे पहले तो मुझे बहुत इश्यूज हो जाते हैं वेरी आइडिया भारी बनता जाता है और देन प्रॉप्स बनते जाते हैं उसमें देन लोकेशन तो props हम क्या करते हैं प्रॉप्स एज इन फॉर एग्जांपल जैसे हम गेम्स खेल रहे हैं तो हमें चेस बोर्ड चाहिए तो ये सारी जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है दैट इट्स अ स्मॉल कॉस्ट बट इट इज़ अ कॉस्ट समहाउ देन एक फ़िशिंग रॉड चाहिए होता है तो फिशिंग रॉड हम अरेंज कर लेते हैं देन टूटी फूटी कुछ चीज़ें चाहिए थी कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जो इम्पॉसिबल होती है कि वो हम बना ही नहीं सकते वो आ ही नहीं सकती तो दीज काइंड ऑफ प्रॉप्स मेक दी एड आइडियाज़ क्योंकि जब हम आइडिया सोचते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं होती लेकिन जब एग्जीक्यूशन पे बात आ जाती है मैं सोचती हूँ यार ये मैं कहाँ से लाऊँ तो यू नो दीज काइंड ऑफ प्रोडक्शन हैसल्स काफ़ी आए हैं और मेरे पास्ट में भी आए हैं जैसे एट दी एंड मेरा फंडा यही है एट दी एंड हो ही जाता चीज़ें लेकिन जो फैक्टर्स उसमें जो होते हैं आई नेवर मेक इट इम्पॉसिबल जैसे फॉर एग्जांपल हाँ मैं एक्टर्स को थोड़े कम पैसे देती हूँ बट आई मैनेज टू यू नो मेक देम हैप्पी एंड मेक आर कॉस्ट ऑल्सो वेरी लेस सो दिस इज़ हाउ यू नो वी मैनेज थिंग्स मुझे आउटफिट चेंज अभी मुझे इंसान वाले कपड़े बना दिए गए बिकॉज यू आर अ मैनेजर नाउ ठीक है अभी मैनेजर बन गया हूँ मैं हाँ आपका प्रमोशन हो गया है जय मेरा प्रमोशन ऐसे टाइम है नहीं अच्छा हमारी डिफ़िकल्टीज क्या क्या आती है ओके जी डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत सारी आती है ऑन सेट जैसे आप ले लें हम टीम वर्क के साथ तो काम करते ही है मेन वर्क इज़ हम सारे एक दूसरे के साथ जो हमारा क्रू है दे ऑल आर वेरी कम्फर्टेबल विथ ईच अदर कोई चीज़ अगर मिस हो जाती है तो वी डोंट लेट इट कम टू द क्लाइंट जैसे क्लाइंट ऑन सेट होता है बट हम कोशिश करते हैं कि हम आपस में वो मैनेज कर लेते हैं क्लाइंट तक यू नो वो डिफ़िकल्टी ना पहुँचे बट कभी कभी पता है क्या होता है क्लाइंट से सारा अप्रूवल लेने के बाद भी जैसे एक्टर्स अप्रूव करवा लिए कपड़े अप्रूव करवा लिए एवरीथिंग अप्रूव करवा लिए बट फिर भी पता है क्या होता है ऑन सेट क्लाइंट कहता है जैसे हमारे साथ हुआ है एक हमने ऐड बनाया था फॉर पैन एमरेट्स काफ़ी साल पुराना ऐड था दो ढाई साल हो गए तो 10 आर्टिस्ट थे उसमें सारों को अप्रूव किया सारों के कपड़े अप्रूव किए सब हो गया ऑन सेट क्लाइंट बोलता है यार वो लड़की वहाँ पे अच्छी नहीं लग रही हमने कहा कोई मसला नहीं है उसको हटा देते हैं वहाँ से कहते नहीं हमें कोई और लड़की चाहिए मतलब हम शूट कर रहे हैं ऑन सेट क्लाइंट ने कहा मुझे ये लड़की नहीं चाहिए अब क्लाइंट ने दो चीज़ें की एक तो लड़की के सामने बोल दिया कि ये गंदी दिखती है क्योंकि मुझे पता है कि हाउ मच स्ट्रगल आई हैव व्हेन आई टेक एक्स्ट्रास क्योंकि उनकी पेमेंट भी कम होती है और उनको थोड़ा सा हमने आप तो बहुत अच्छे हो ये करके हमें सेट पे लाते क्लाइंट ने उसके सामने कह दिया वो अच्छी नहीं है अब परेशान थे
उन्होंने कहा क्या करें, मैंने कहा आप 5 मिनट वेट करें, मैं एक बंदी लेके आती हूँ। आई वेंट आउट एंड उनका हम शोरूम में ही शूट कर रहे थे, तो शोरूम में शूट करते हुए एक लड़की जो थी वो प्यारी प्यारी सी थी बहुत ज़्यादा, एंड शी वॉज शॉपिंग समथिंग। तो आई वेंट टू हर एंड आई आस्क लाइक डू यू वॉन्ट टू कम इन वीडियोज, एंड शी वॉज लाइक या वाई नॉट टेक माई नंबर। तो वैसी थोड़ी सी फीलिंग देन, वैसी कुछ फीलिंग्स थी उसकी कि वाओ आई विल कम इन द वीडियोज एंड ऑल दैट। बट इवेंचुअली क्या हुआ, उसने कहा कॉल मी, मैंने कहा कॉल मी नहीं अभी रोल दे रही हूँ तुमको, एंड शी वॉज लाइक वेरी हैप्पी कि हाँ मैं अभी करने के लिए तैयार हूँ। बट उसने मीडी स्कर्ट पहनी हुई थी तो उसके लिए अबाया, उसको अबाया पहनाना था, तो जिस लड़की की इंसल्ट की उसी से अबाया लिया और अबाया पहना के प्रॉब्लम सॉल्व। तो दिस काइंड ऑफ चैलेंजेस वी फेस वाइल शूटिंग, बट एट दी एंड यू नो हो जाती है चीज़ें मैनेज, बिकॉज अगर आप उसी दिन शूट नहीं करो तो एज अ प्रोडक्शन एक और कॉस्ट इंक्लूड हो जाती है। गाइस ये है डायरेक्टर साहब हमारे, जिन्होंने मुझे पहले दिन जब मैं गया था, रिमेंबर मेरा फर्स्ट वीडियो जब मैंने शेयर किया था, आई वॉज टेलिंग कि मैं गया एंड डायरेक्टर साहब परेशान हो रहे थे मेरे को देख के किसको उठा लाया यहाँ पे। सो ही वॉज द वन, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, इन्होंने मुझे एक बात बोली थी वहाँ पे, जो पता नहीं था मुझे हेड शूट में ये भी करना होता है, क्योंकि हमारे हिसाब से मूवीज़ में देखते हैं यू नो एक एक्टर स्टाइल मार दे ऑल दैट। तो इन्होंने मुझे कहा इधर आओ पहले, सबसे पहले तो लूज योर सेल्फ, एंड उन्होंने मेरे को एक लाइन बोली थी, मैं इनको बोलूँगा एक्सप्लेन करने को, वो एड के अंदर इट्स ऑल अबाउट दैट, फ़र्क नहीं पड़ता आपकी बॉडी, मतलब ऑफकोर्स इट मैटर्स बॉडी लैंग्वेज, बट इतना मैटर नहीं करता जितना आपके एक्सप्रेशन, आप एक्सप्रेसिव जितने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा एड होगा। सो आई वॉन्ट यू टू टॉक अबाउट दैट कि वो एग्जैक्टली आपने क्या बोला था, आई एम श्योर मैं उसको सेम नहीं बता पाया। जी सबसे पहले तो ये मैं पहली दफ़ा कहीं बोल रहा हूँ, आपने मुझे बोला था, मुझे बड़ा डिफिकल्ट लगता है ऐसे बोलना, बट ऑब्वियस जब आप किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो प्रोडक्ट जो है उसके लिए आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप इतना टाइम नहीं ले सकते किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने में, तो आपको हर वे से एक्सप्लेन करना है, अपने हाथों से एक्सप्लेन करना है, अपनी आँखों से एक्सप्लेन करना है, अपनी ज़ुबान से एक्सप्लेन करना है, अपने पूरी बॉडी लैंग्वेज से उसको एक्सप्लेन करना है। तो इन दिस 30 सेकंड आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जितना दे सकते हैं दें। वही मैंने इनसे बात की कि मुझे मारिया ने रेफ़र किया था, और मारिया जब भी मुझे कोई चीज़ रेफ़र करती हैं वो एक बिल्कुल परफेक्ट चीज़ होती है, तो मुझे ये ट्रस्ट था कि वो चीज़ परफेक्ट है। तो फिर अब सेकंड बात थी, क्योंकि जय का एक्सपीरियंस नहीं था तो मुझे इसको एंड बात बतानी थी, मतलब स्टार्ट नहीं, इसको आखिर बता देना था कि भाई ये करना। और मुझे खुशी है कि जय ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया, और यही रीज़न है कि हम दोबारा बैठे, हम लोग एक बड़े प्रोजेक्ट में बात कर रहे हैं पर वो चूँकि थोड़ी सी मसरूफियत है उस वजह से हो नहीं पा रहा, बट अगेन आई एम वेरी हैप्पी कि यूएई के अंदर हमें बड़ी मुश्किल से टैलेंट मिलता है, और उसमें से जे जो है वो एक हैं, और जे ने समझा बात को, और यही ज़रूरी है आपको 30 सेकंड के अंदर प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करना। Awesome, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, नॉट दिस ऑल्सो द अर्लियर वन ऑल्सो, एंड थैंक यू। एनीथिंग यू वांट टू से फॉर पीपल हु यू नो आर विलिंग, जो चाहते हैं ये करना, उनको कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, कुछ टिप, एक टिप आपकी तरफ से, एक टिप आपकी तरफ से। I think like everyone has something in them. जैसे for example हमें बहुत difficulty होती है actor search करने के लिए, I believe every second guy is an actor himself. जैसे एक role वो play कर रहे होते हैं अपनी life में, और हमें वही role चाहिए, because whenever it comes to commercial it's the actual people who is performing for actual people. So इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो normal बंदे घर में बात कर रहे हैं, normal चीज़ें कर रहे हैं, they can also be actors. So why not guys, just try, give auditions, see yourself in the mirror, you guys have something. I never knew ke main bhi abhi Jay ke sath baith ke video bana rahi hu, I never knew that. So I think everyone can do it. So hame bahut sare options chahiye Jay jaise aur baki sab jaise bhi. So guys please give it a chance, aur agar aap logo ko lagta hai ki aap logo mein thoda bhi talent hai to Jay se mera contact le, contact kare, we will give them chance definitely. Sir, it's chance करना चाहिए, मतलब अगर आपको लगता है कि आप में कुछ पैशन है या आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपको ट्राई देना चाहिए, जब तक आप ट्राई नहीं देंगे आपको पता नहीं लगेगा, और अगर आप फेल हो जाते हैं ट्राई देने के बावजूद भी तो फिर एक दफ़ा दोबारा ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, और एक दफ़ा दोबारा फेल हो जाते हैं तो एक दफ़ा दोबारा ट्राई कर लीजिएगा, कीप ट्राइंग, जब तक आप अपने आप को खुद गंदा फील नहीं करेंगे आप गंदे नहीं होंगे। क्या बात, थैंक यू सो मच, all the best Jay.
All the best. Can I say Jay, please don't go. Don't go. Ticket ban gayi. Oh, you, yeah, don't go. Helping Jay to make his Tuesday special method. And there's the DOP we have, Mr. Asif. And Jay has become a manager to you. Thanks to you. Of course, thanks to you. All thanks to you. Thank you also. Yeah. This is our heroine. She has my name. Her name is Mariana. Hi everybody. What's up? I'm all the way up. Nothing can stop.